हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज हम और अजीत भाई फिर से एक नई लोकेशन पे खड़े हुए हैं। और आज का लोकेशन क्या है और लोकेशन पे ऐसा क्या है, पहले तो आप लोगों को बता दूं। घड़ी हमारी स्विच ऑफ हो गई है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इस लोकेशन पे एक जो बोलते हैं नर्तकी, यहाँ पास में एक गाँव है, लगभग क्या यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है। और उस गांव की घटना है, एक नर्तकी को कुछ लोगों ने जान से मार दिया था, उसके पीछे की कहानी है। और बोलते हैं वो नर्तकी जो थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आसपास के गांव में उसका कार्यक्रम चलता था, काफ़ी समय पहले की बात है। और आज के समय में ऐसा नहीं होता है, मगर उस समय होता था ना, कुछ ऐसा लग रहा था कि आवाज़ आई है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा खींचेंगे नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा अजीत भाई फिर से कुछ आवाज़ आई ना, लग तो रहा यार। एक्चुअली रात ज़्यादा होने की वजह से नींद भी आ रही है भाई, काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, तो दिन में काफ़ी हम लोग रास्ता चले हैं, तो शायद थके भी हैं बहुत ज़्यादा, तो नींद भी आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नर्तकी की आत्मा है इस बाग में घूमती रहती, क्योंकि उस नर्तकी को इसी बाग में लेके दफनाया गया था। घटना पड़ोस के गांव के, जब उसको कुछ शराबियों ने मार दिया था, कार्यक्रम चल रहा था, और उसके बाद बोलते हैं उस नर्तकी को लेके दूसरी जगह पे गए जंगल के अंदर, और उसके साथ में गलत काम करके नर्तकी को मार दिया। तब से बोलते हैं आज भी उस नर्तकी की आत्मा इस जगह पे उन शराबियों का इंतजार करती है। टाइम ज़्यादा होने की वजह से भाई ये देखो आवाज़, तो फिर जंगली बोलते हैं चिड़िया जो मतलब पेड़ों पर है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे भाई, वीडियो को छोड़ना नहीं है। और क्या हुआ, शायद बहन भाव हुआ हमारा, ऐसा लग रहा था वहाँ पे कुछ आग टाइप का एकदम से जला है और बंद हो गया। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया, नर्तकी का जो नाम था वैष्णवी नाम की नर्तकी थी। और नहीं अजीत भाई, ओए वहाँ पे कोई आग चला रहा है, ऐसा लग रहा था कि हमें वहम हुआ इस चीज का, मगर सच में आज वहाँ पे कुछ है। ओए कोई है भी भाई, अजीत भाई ओए देख यार, आग के आसपास कुछ है यार। ओए आग के ऐसा लग रहा है घेरे के अंदर कोई चीज है ना अजीत भाई। हाँ यार, दिख रही वो चीज अमित भाई, ये देख यार अमित भाई। ओए कौन है वहाँ पे, देख यार अमित भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है अजीत भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से आप जमने लगी यार, यार देख कोई है भी वहां पे यार, है भी कोई यार, कोई लड़की लग रही ना अजीत भाई, शायद बात है यार। चल यार आपके पास में चलना सही रहेगा, क्या किया जाए यार। कौन है, कौन है, देखिए परेशान मत करिए, अगर जो हुआ यहाँ पे मौजूद तो सामने आ जाओ प्लीज। सुनवी जी आप हो यहाँ पे, अगर जो आप हो यहाँ पे तो सामने आ जाओ। वो अमित भाई पेड़ के पीछे, कोई पेड़ के पीछे तेरे पास भाई, भाई। पेड़ के पीछे ये देख देख खड़ी हुई, और वहाँ पे अरे अमित भाई आग है उसके पास, अमित भाई उसके पास आग है यार, आग है यार। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या चाहती हो, उसके हाथ में भी आग है यार,
क्या चाहती हो वैष्णो जी? मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए यार। तांत्रिक गुरु जी आने के लिए तैयार थे, मैंने बोला था उनसे ऐसा है तुम्हें, तो मैंने बोला था कि आपको चलना है, तो बोले थे ठीक है हम चलेंगे, मगर वही था एक बार देखना था यहाँ पे जो वैसे भी है कैसे दिखती है, और अगली बार जब भी आएंगे तो गुरु जी को साथ में लेके आएंगे और यहाँ पे इस आत्मा को मुक्ति करा देंगे, है ना जी भाई? हाँ यार, क्योंकि अभी तो हम लोगों के पास सेफ्टी है, तो हम लोग सुरक्षित है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रात के टाइम में कोई भी आता है तो उसको जान से मारने की कोशिश कर दी, कई लोग यहाँ पे घायल हो जा चुके हैं। थोड़ी कोशिश पीछा करते हैं यार, हम क्या कह रहे हैं, एक मिनट देखते हैं। ओ भाई श्री अजीत भाई, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो है यार, कुछ तो गड़बड़ है यार, एक मिनट लाइट फुल कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं आवाज कहीं से आ रही है, बाग के अंदर से आ रही है अजीत भाई। आग तो जली है, आग जलाया गया है। अजीत भाई वहाँ पे कोई चीज है, वहाँ पे कुछ जल रहा है यार। अरे अजीत भाई वहाँ पे अभी यहीं पे थी, हम लोग जब इधर आए थे तो अचानक से पता नहीं वो चीज कैसे वहाँ पे गई। पेड़ पे भी कुछ लग रहा है, चलो अजीत भाई चलते हैं थोड़ा सा रोड की तरफ, संभाल के चलना, सेफ्टी है। दो जगह, एक मिनट भाई पेड़ पे आ गए, पेड़ भी आ गए जीत भाई, हम लोग आके गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे। पता नहीं अचानक से ऊपर से ऐसा लग रहा था कहीं से आवाज आई है, पता नहीं यार पेड़ के ऊपर आ गए यार, वो चीज कहाँ है? अजीत भाई ये देख सामने, ओ भाई अजीत भाई निकल यार, बच गए बाल बाल, सामने आ रही है भाई, क्या चाहती हो बता दो, यहाँ पे क्यों नहीं रुकने देती हो किसी को, आखिर क्या राज है बताओ। पीछे पर चल यार, पीछे अभी भी है, मौजूद है ना यहाँ पे, वो आके पहुंचा रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलने वाले अजीत भाई, निकले ना यहाँ से? हाँ निकले। तो अगली बार जब भी आएंगे यहाँ पे तो कोशिश करेंगे गुरुजी अगर जो खाली होंगे बिजी नहीं होंगे तो उनको लेके आएंगे यहाँ पे, और इसकी मुफ्ती कराना जरूरी है अजीत भाई, है ना? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अगर जो नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी मुफ्ती के साथ में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।